पक्षुआ और दूषा देवताओं की ओर से। देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया। लेकिन भरत, समुद्र का मंथन होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेम का मंथन होना यह सबसे बड़ी बात है। भरत, प्रेम समुद्र का जो मंथन हुआ है वो तुम्हारे द्वारा ही हुआ है। और याद रखना भरत, अगर समुद्र के मंथन में सबसे पहले विष निकला था तो भरत, प्रेम मंथन में भी संपूर्ण समाज के लोगों ने केकई की वाणी को विष के रूप में ही स्वीकार किया कि केकई ने विष बमन किया। क्या किया? विष बमन किया है। तो इस प्रेम समुद्र से भी सबसे पहले विष निकला। लेकिन याद रखना भरत, समुद्र से जो विष निकला उसको भगवान शिव ने पान किया, लेकिन जो केकई रूप केकई की वाणी से जो विष निकला है उसको राम ने पान किया है। जैसे शिव जी जब तक विष पान नहीं किए थे तब तक केवल देव थे, लेकिन विष पान करने के बाद महादेव हो गए कि नहीं, और उनका नाम अमरकंठ हो गया। क्या नाम हो गया? अमरकंठ। इसलिए अमरकंठक का शुद्ध नाम है अमरकंठ, और वहां के जो भगवान हैं अमरकंठेश्वर नाथ। अमरकंठक में कौन से भगवान? शिव का नाम क्या हुआ अमरकंठक में? अमरकंठेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की जय। कहा विष पीने के बाद ही वो महादेव बने, अमरकंठ हो गए वो। और भरत, केकई की जो वाणी विषयुक्त निकली समाज की दृष्टि में, उसने राम के व्यक्तित्व को अमर कर दिया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? राम का व्यक्तित्व आज अमर हुआ है तो अयोध्या में रहने के कारण नहीं, वनवासी गिरवासी बनने के कारण हुआ है। आज रामेश्वरनाथ भगवान का धाम जो बना है वो केकई जी के विष के कारण बना है। बोलो, बना कि नहीं? तो जिसकी वाणी के विष बमन से अगर चित्रकूट धाम और रामेश्वर धाम की स्थापना हो सकती है प्यारे, तो याद रखना उसकी वाणी का विष विष नहीं है, वो अमृत से भी ज्यादा महान है, ऐसा हमें मानना चाहिए। क्योंकि चित्रकूट धाम भी बना और रामेश्वर धाम भी बना, वनवास के क्रम में ही तो चित्रकूट धाम हुआ, नहीं तो केवल अरण्य अभ्यारण्य था वो, अरण्य अभ्यारण्य था, लेकिन चित्रकूट धाम बन गया। महात्मा लोग रहते थे वहां, तपस्या करते थे, अत्रि आदि मुनिवर निवास करते थे। लेकिन प्यारे, जब राम जी पहुंचे तब महिमा बढ़ी, इसके पहले उतनी महिमा कहां बढ़ी थी? इस धाम की महिमा तब बड़ी, समुद्र तो पहले भी था, लेकिन जब राम जी आ गए, रामेश्वरनाथ भगवान की स्थापना कर दी, तो इस धाम की महिमा बढ़ गई, ये धाम हो गया। अरे भाई, अगर ये कहा जाए कि समुद्र के किनारे महात्मा नहीं रहते थे, तो समुद्र के किनारे अगर महात्मा न रहते होते तो राम जी के आने के पहले तो अगस्त जी ने इस समुद्र को पी लिया था, तो वो तो समुद्र के किनारे ही उनका आश्रम। अगर समुद्र के किनारे न रहते अगस्त जी, तो आश्रम में अगर उनका आश्रम समुद्र के समीप न होता तो समुद्र को कैसे पी लेते? तो महात्मा अगस्त तो पहले भी रहते थे। बोलो, रहते थे कि नहीं?
और भगवान शंकर अगस्त के आश्रम में कथा सुनने आते थे तो शिवजी समुद्र के किनारे भी तो आते थे, कैलाश को छोड़कर के समुद्र के किनारे भी तो आए कथा सुनने। लेकिन बोलो रामेश्वर धाम बना क्या? नहीं बना। राम जी के आने से ये रामेश्वर धाम बना। तो राम जी को वन भेजा किसने? माता केकई के शब्द ने। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तो माता केकई के शब्द ने राम को वन भेजा। दुनिया की दृष्टि में केकई का शब्द विष है, लेकिन भगवान राम की दृष्टि में अमृत है। वो क्या है? अमृत है। संसार की दृष्टि में समुद्र से विष निकला है, लेकिन पान करने के बाद भगवान शिव कहते हैं मैंने तो अमृत को पिया है। क्योंकि विष पीने के बाद मृत्यु होती है, लेकिन अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। तो मैं तो अमर हो गया हूं क्योंकि मेरा नाम ही हो गया अमरनाथ भगवान की। उनका एक नाम क्या है? अमरनाथ। आप लोग यात्रा करते हो ना अमरनाथ की, बहुत लोग गए होंगे अमरनाथ। तो भगवान शंकर का एक नाम अमर कंठेश्वर, एक नाम अमरनाथ, तो अमरनाथ भी बन गए वो। बोलो विष पीने के बाद कोई मरता है कि अमर होता है? हैं? हमारी समझ में तो अस्तित्व चला जाता है विष पीने के बाद, लेकिन अमर हो गए। राम जी की कीर्ति अमर हो गई। प्यारे, दशरथ का नाम तब लिया जाता है जो राम भक्ति से ओतप्रोत होगा, तब वो दशरथ का स्मरण करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन दशरथ के बाप अज का स्मरण तो कोई करता ही नहीं है। भागवत वगैरह होती और जब क्यों भाई इक्ष्वाकु वंश का वर्णन होता है तब अज का नाम ले लिया जाता है। बोलो लिया जाता है कि नहीं? लेकिन दशरथ की महिमा तो राम के कारण बढ़ी, लेकिन दशरथ के कारण अज की महिमा नहीं बढ़ी, राम के कारण दशरथ की महिमा बढ़ी है। तो ये केकई ने महान बनाया है राम जी को। भरत जी से यही बात तो कह रहे हैं कि अपनी माँ केकई को दोष मत देना। अगर तुम अपने को पापी मान रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम माता केकई को दोषी मान रहे हो। यही अर्थ है ना, यही संकेत है केकई की ओर संकेत। नहीं भरत, दोष दे जननी जड़ते ही, ओ जिन गुरु साधु सवा नहीं से ही। केकई को दोष मत देना भरत, यदि दोष कोई देगा तो वो जड़ होगा, जड़ मानी मूर्ख। भरत जी ने कहा मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, अपने आप को दोष दे रहा हूं। भगवान ने कहा तो अपने आप को भी दोष मत दो, अपने आप को भी दोष मत दो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे समान तो भाग्यवान दुनिया में कोई है ही नहीं। भरत, तुम्हारे समान तो भाग्यवान दुनिया में कोई है ही नहीं। भरत जी ने कहा कि ये किसने कहा कि मैं भाग्यवान हूं? का अभी अभी पिछले समय की बात है कि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने ही कहा। भरद्वाज जी साथ में आए प्रयागराज से चित्रकूट। भगवान राम ने कहा भरद्वाज जी बताइए, मैं भी गया प्रयाग और भरत जी भी आए मेरे बाद प्रयाग में। अब आप राम आए उस समय कैसा आपको लगा और फिर मैं राम के बाद भरत आए प्रयाग में तब कैसा लगा? तो प्रयागराज के सिद्ध संत भरद्वाज जी बोल पड़े कि सुनहूं भरत हम अरे झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रहीं सब साधन कर अरे सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तही फल कर फल दरस तुम्हारा ओ सहित प्रयाग सौभाग
हमारा। देखो भरद्वाज जी भी बोल पड़े, भरद्वाज जी भी बोल पड़े। भरद्वाज जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हम महात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते, सही बात कह रहे हैं। भरत जब श्री राम आए तीर्थराज प्रयाग में, तो हम सभी महात्माओं ने, तीर्थ के जितने भी संत थे, उन सब ने यही कहा कि भाई सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम श्री दर्शन पावा। तपस्या का फल है राम का दर्शन, लेकिन भरत तपस्या का फल राम का दर्शन, जो तपस्या की राम का दर्शन का फल मिला, लेकिन भरत तुम्हारे दर्शन से हमें फल का फल मिला। तो भरत जी बोले फल का फल क्या होता है भाई, फल तो सुना है लेकिन फल का फल क्या होता है। भरद्वाज जी बोले फल का फल होता है रस, फल का जो फल होता है वो रस होता है। तो भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम ही बताओ फल की ज्यादा कीमत होती कि रस की ज्यादा कीमत। जैसे आप 1 किलो मौसम्मी खरीदो तो फल बेचने वाला कहेगा भैया 80 रुपया 100 रुपया किलो, लेकिन 1 किलो आप जूस निकालने की बात कहो कि मौसम्मी का जूस 1 किलो निकालो, और फिर आप उसको 100 का नोट देने लगे तो कहें दिमाग खराब है तुम्हारा क्या। अरे मौसम्मी ही है 100 रुपया किलो, और रस बोले 200 रुपया किलो। क्यों ऐसा क्यों, आखिर मौसम्मी का ही तो रस है। कहा